चार फ्लोर का बना हुआ मकान राहुल गांधी के नाम पे कर दिया है। अभी जा रही हूँ तुकलक लेन, अच्छा। उनकी कोठी पे कोशिश करूंगी मिलने की, नहीं मिल पाए तो ये कागज सौंप के आऊंगी। कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है तो मोदी के ऊपर ये कानून क्यों नहीं लागू होती? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, हमारी बेटियाँ पटाने के लिए, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हम अपनी बेटियों को पैदा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो क्या सबको पटाने के लिए? इन मोदी को लेकर पूरी ओबीसी उनके अंडर में नहीं आने वाली। हाँ, तीन मोदी चोर थे तो चोर थे, हम भी ओबीसी हैं, हमें दिए हैं क्या, उसमें हिस्सा दिए हैं? अच्छा, आप भी ओबीसी? हाँ, वो हमें दिए हैं इसमें, तो हम कैसे आपको बुरा नहीं लगा? हमें नहीं बुरा लगा, किसी ओबीसी को बुरा नहीं लगा, जो दो तीन चार चोर हैं उन्हीं को बुरा लगेगा। ऐसा मकान अगर मेरे पास हो तो मैं 10 मकान राहुल गांधी के नाम का। उनके जैसे लोग राहुल गांधी को संस्कार सिखाएंगे कि जो कांग्रेस की विधवा, कांग्रेस की सुपनखा, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान, हमारे साथ राजकुमारी गुप्ता जी हैं, जिन्होंने कि जिनके हाथ में रजिस्ट्री का पेपर है, जिन्होंने अपने चार फ्लोर का बना हुआ मकान राहुल गांधी के नाम पे कर दिया है। तमाम मुद्दों पे इनसे बातचीत करेंगे, क्यों किया है और क्यों लगता है कि इस मकान को उनके नाम करना चाहिए। तो ये बताइए कि हर जगह मुहिम चल रही है, आपने क्यों नाम कर दिया उनके? पहले तो मैं बताऊँ, मैं राजकुमारी गुप्ता सेवा दल की महिला अध्यक्ष हूँ और दिल्ली मंगोलपुरी में रहती हूँ। जिस कॉलोनी में रहती हूँ, जो राहुल गांधी की दादी की बसाई हुई कॉलोनी है, इंदिरा गांधी की बसाई हुई कॉलोनी है, इंदिरा गांधी ने दिया था, चार मंजिल बना हुआ है। जब मुझे ऐसा लगा कि भाजपा के लोग राहुल जी के पीछे पड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि वो राज्यसभा में अपना सीना ठोकते हैं, मैं अकेला सब पे भारी, तो मैं कहती हूँ कि ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, ना प्रधानमंत्री को ये सूट करता, ना प्रधानमंत्री अकेले हैं, राहुल गांधी के ऊपर ये सूट करता है, राहुल गांधी के ऊपर ये जायज़ है कि राहुल गांधी बोले कि मैं अकेला सब पे भारी। तो ये हम लोगों को गर्व है, हम लोग गर्व से कहते हैं कि राहुल गांधी अकेले हैं, राहुल गांधी इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं मैं अकेला, तो ये वो अकेले नहीं है, उनको शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सोच समझ के बोलना चाहिए कि भाजपा के 100-200 लोग, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे आपका MP हो, चाहे MLA हो, कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे ED हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे CBI हो, कोई भी हो, सबको राहुल गांधी के पीछे लगा दिए हैं। राहुल गांधी एक मर्द आदमी है, 56 इंच का सीना है उनका, उनको हम लोग भाई मानते हैं, भाई को दिल से मानते हैं। अगर भाई, हमारे भाई को रोड पे निकाल दिया गया तो बहने कैसे अपने घर में चैन से खा के सोएंगी? आपने आज करवाई है? अभी करवाई, आज करवाई सुबह, अभी करवा के सीधा यहीं पर, सीधा यहीं आई। देखिए, एक तरफ इनका फोटो लगा हुआ है और दूसरी तरफ राहुल गांधी का फोटो है, और देखिए ऊपर नाम भी जो है वो किया गया है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी जिस तरीके से दिल्ली में ट्रांसफर होता है, जी जी, ऐसे ही हमारे एरिया में जो जजा कॉलोनी है, इसी पेपर से मकान बिकता है, मकान खरीदा जाता है। कितने सालों से आप इस मकान में रहते हैं? 26-27 साल से। तो घर वालों कोई दिक्कत नहीं है? मैंने अपने पति से बात की, आज जब से राहुल जी को राज्यसभा से निकाला गया है, सदस्यता भंग की गई है और घर की नोटिस दे दी गई है, 2 साल का उनको सजा सुना दिया गया है, ये सच्चाई है, परमात्मा मालिक है, हम लोग पूरी रात घर में सो नहीं पाते, बस हमेशा दिमाग में यही रहता है कि जिसके बाप दादा राजा महाराजा रहे हों, जिनका बेटा एक सोने की पालना में पला हो, आज उसके साथ मोदी जी, जिसके पूरा खानदान इस देश की आज़ादी में अपना खून बहाया हो, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, उनके पोते के साथ, उनके बेटे के साथ ऐसे ही अत्याचार हो रही है, ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा मकान अगर मेरे पास हो तो मैं 10 मकान राहुल गांधी के नाम कर दूं और कांग्रेस पार्टी के लिए जब तक शरीर में सांसें रहेगी, कांग्रेस के पार्टी के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहेंगे। एक एक घर में हम लोग जाके प्रचार करेंगे, राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, राहुल गांधी को घेरा। आपकी बेटी भी है तो वो कहाँ रहेंगी, पति कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे? बेटी अभी 17 साल की है, अभी बहुत समय है। नहीं तो कहाँ रहेंगे सब लोग? कहीं भी रहेंगे, रहने क्या दिक्कत है बताइए? बहुत लोग पड़े हैं जो कहीं भी रह लेंगे, क्या दिक्कत है? हम मियाँ बीवी बेटी हैं, ज्यादा परिवार हमारी नहीं है, तो कहीं भी रहने के लिए तैयार हैं, कहीं भी रहने के लिए तैयार हैं और राहुल गांधी के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। उनको हम लोग दिल से भाई मानते हैं और जब भाई मानते हैं तो बहने 24 घंटा उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। सरकार कहती है कि ये जो है, ये सब कुछ जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, तो मोदी के ऊपर ये कानून क्यों नहीं लागू होती? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, हमारी बेटियाँ पटाने के लिए हैं, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हम अपनी बेटियों को पैदा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो क्या सबको पटाने के लिए? ये प्रधानमंत्री के शब्द है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। हमारी MP को उन्होंने बोला सुपनखा, क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है?
हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिनकी सास भी प्रधानमंत्री थी, जिनके पति प्रधानमंत्री थे, सास की भी हत्या की गई, पति की हत्या की गई, ये प्रधानमंत्री हैं। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि उनकी बीवी को कह रहे हैं कांग्रेस की विधवा? ये महिलाओं का अपमान कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं? कहते हैं राहुल गांधी को संस्कार नहीं है, उनके जैसे लोग राहुल गांधी को संस्कार सिखाएंगे कि जो कांग्रेस की विधवा, कांग्रेस की सुपनखा, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये ऐसे लोग संस्कार सिखाएंगे? जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपनी बीवी की जिंदगी बर्बाद किया, अपनी बीवी का खर्चा नहीं चला पाया, अपनी बीवी का पति का फर्ज नहीं निभा पाया, अपनी बीवी को सम्मान नहीं दे पाया, वो हम महिलाओं का सम्मान करेंगे? हमारे देश की बेटियों का सम्मान करेंगे? अमित शाह जी कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त मेरे ऊपर भी केस किए गए, लेकिन मैं कभी काले कपड़े पहन के सड़कों पे नहीं आया और हाय तौबा नहीं। किसने मना किया था? चोर को चोर कहना कोई गुनाह है क्या? तड़ीपार को तड़ीपार कहना गुनाह है क्या? चौकीदार को चौकीदार कहना गुनाह है क्या? जो दो चार मोदी पैसे लेके भागे हैं उनको चोर कहना कोई गुनाह है क्या? अडानी को इन्होंने 20,000 करोड़ दे दिया, किसका पैसे दिए और क्यों दिए? अडानी से क्या रिश्ता है? राहुल गांधी यही गलती की है कि पूछ लिए कि अडानी को 20,000 करोड़ क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, कहाँ का पैसे है, किसका पैसे है? इसलिए तो राहुल गांधी को पीछे ईडी लगा दो, पुलिस लगा दो, सीबीआई लगा दो, बंगला खाली करवा दो। सदस्य फिर से जो है 12 अप्रैल को राहुल गांधी को बुलाया गया है पटना कोर्ट में पेश होने के। हर राहुल गांधी को ये बुलाते हैं, जो देखो जो कानूनी कार्रवाई है ये करें, लेकिन हम लोगों का जो कर्तव्य है मोदी जी नहीं रोक सकते। सन 2024 में इनकी पार्टी का एंड है, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। ओबीसी समाज से जोड़ के देख रहे हैं, अगर ऐसा हुआ, अगर ओबीसी समाज ने इसको दिल पे ले लिया तो 2024 में नुकसान। अच्छा एक बात बताइए, ओबीसी के लोग इतने पागल नहीं है, वो समझदार हैं। कहीं मोदी जी ये सोच रहे हों कि मैं प्रधानमंत्री 10वीं 8वीं पढ़ा बन गया तो सबसे ज़्यादा विद्वान मैं हो गया, तो घर घर में जो घर में रोटी बनाती हैं ना, वो भी इतनी समझदार हैं कि 3 मोदी को लेकर पूरी ओबीसी उनके अंडर में नहीं आने वाली। हाँ 3 मोदी चोर थे तो चोर थे, हम भी ओबीसी हैं, हमें दिए हैं क्या, उसमें हिस्सा दिए हैं? अच्छा आप भी ओबीसी? हाँ वो हमें दिए हैं इसमें, तो हम कैसे आपको बुरा नहीं लगा? हमें नहीं बुरा लगा, किसी ओबीसी को बुरा नहीं लगा, जो 2-3-4 चोर हैं उन्हीं को बुरा लगेगा। और चोर को चोर कहना कोई गुनाह नहीं है, तड़ीपार को तड़ीपार कहना कोई गुनाह नहीं है, चौकीदार को चौकीदार कहना कोई गुनाह नहीं है। डंके के चोट पे हम लोग कह रहे हैं कि तड़ीपार चौकीदार चोर है, तड़ीपार चोर है। नहीं तो ये बताइए कि ये जो रजिस्ट्री के पेपर है ये राहुल गांधी को आप देंगे? अभी जा रही हूँ तुगलक लेन, अच्छा। उनकी कोठी पे कोशिश करूंगी मिलने की, नहीं मिल पाए तो ये कागज सौंप के आऊंगी, पेपर दे के आऊंगी। अच्छा ये बताइए कि अभी तक जो है राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की है, इसका क्या कारण देख रहे हैं? देखिए घबराता वो है जो चोर हो, राहुल गांधी घबराने वाले नहीं है। राहुल गांधी खुलेआम बोलते हैं, ना डरे हैं ना डरते हैं, ना कांग्रेसियों को डरने की जरूरत है, तो हम डरते नहीं है ना डरेंगे। जो चोर है वो चोरी के, एक महीने का वक्त था राहुल गांधी के पास, उसमें काफी वक्त जो है वो निकल चुका है। अगर वो नहीं करेंगे अपील तो फिर तो 8 साल के लिए 2024 भी 29 भी निकल जाएगा। देखो पुलिस उनके अंडर, सीबीआई उनके अंडर, कोर्ट कचहरी उनके अंडर, जैसे चाह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। अपने जाके गुजरात में उन्होंने केस दर्ज करवाया, ठीक है, तो पब्लिक थोड़ी उनके अंडर में है, 24 में पब्लिक सबक सिखा देगी। ये जो मोदी जी किए हैं ये दूसरा कुछ सोच के किए, लेकिन ये पासा उल्टा पड़ गया। अब जो बच्चे बच्चे हैं वो भी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी को इन लोगों ने अखबार से टीवी से बिल्कुल हटा दिए थे। आज जैसे सबके दिल दिमाग में राहुल गांधी बैठ तो रहे हैं, तो वही हाल होगी सन 2024 में, जो एक बार इंदिरा गांधी के हुआ था ना, जैसे फुल बहुमत से इंदिरा गांधी अपनी टाइम पे आए थे, वैसे ही कांग्रेस आएगी सन 2024 में। देखिए हमारे साथ राजकुमारी गुप्ता जी थे, जिन्होंने अपना पूरा जो है मकान, 4 मंजिल का बना हुआ मकान जो है राहुल गांधी के नाम पे कर दिया है, और ये रजिस्ट्री के पेपर हैं। पिछले कई दिनों से लगातार मुहिम चलाई जा रही है, मेरा घर राहुल गांधी का घर, जिस तरीके से संसदीय जाने के बाद उनके उनकी जो कोठी था उनको वापस ले लिया गया, उसके बाद जो है इस तरीके मुहिम चलाई जा रही है, और अभी यहां पर जो है वो पहुंची है, और इसके बाद ये राहुल गांधी के घर पर जाएंगी, वहां पर जो है इस पेपर को देंगी राहुल गांधी को। तो जो भी होगा इस अपडेट इन मामलों में लगातार आपको देते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।